वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे भाई आज सोना मोना सुबह सुबह रेडी क्यों है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद अपने स्टूडियो। भाई साहब पेपरों की इतनी ज्यादा सर पे बोझ बन गया था मेरा, और पढ़ाई 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 24 घंटे पढ़ाई हो रहा था, तो हम तो भूल ही गए भाई स्टूडियो में जाते हैं थोड़ा, हाँ बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो आज हमें भाई फ्री टाइम मिल गया है मुझे। बस इसको नहीं, ये बेटी बताओ क्या कर रही है। बेटी पहले क्या बोला, चल चलो जाके इलाज कराओ। ये लड़की तो क्या कर रही है, जैसे हमारे बीच में जो छुट्टी नहीं पड़ती है एग्जाम में, ये उसको वेकेशन मान रही है। हॉलीडे नहीं है बेटा, जरा पेपरों की छुट्टी मिली है पढ़ने के लिए। ना पढ़ती हूँ तो मम्मी की जरूरत नहीं है, मैं ही ताने मार देती हूँ उसको बहुत। अब हम जाएंगे और वीडियोस भी बनाएंगे, हमने बहुत कुछ सोचा है बनाने का। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं, क्योंकि पापा गाड़ी लेके खड़े हैं, क्योंकि आ चुका है दो बार फोन आ चुका है, अभी भी आ गया था। डांट पड़ रही है थोड़ी, चलो चलो भाई बकवास कम करते हैं और चलते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और भाई साहब आज तो इतनी गर्मी हो रही है भाई, सर्दी है तो सर्दी है, बाहर कब निकले समझ नहीं आता। ना तेरे को खोल बैठ चलताने का, गर्मी हो रही है तो भाई कब बाहर निकल समझ नहीं आता, निकले तो निकले कब बाहर आराम से घरों बैठे रहो। और भाई साहब अभी लड़ाई हो रही थी यहाँ पर, पता नहीं क्या बात हुई। यही बेकार है कि लड़ाई हो जाती है दिल्ली में, क्या मतलब यूपी हरियाणा में और सिस्टम है तो ना क्या था, यूपी हरियाणा में और सिस्टम है, दिल्ली की तो कुछ भी लड़ाई नहीं है ना। देखो हंस मुझे मजा आ रहा है ना। अभी देखो थोड़े मिनट बाद बंद कर लिया है ना, खींचे आवाज आती है फिर। अच्छा थोड़े मिनट बाद देखना, ये मरी पड़ी मिलेगी ऐसी ऊँट गर्दन लटकाए, देखेंगे पहले कौन सोता है। ठीक है हाँ, कोई तो कह रहा था सोएगा नहीं है, देखो यहाँ सो रही है मैं सो रही हूँ, मैं तो बस आँखें लग गई, आँख लग गई थी, क्योंकि हम इतने दिनों बाद आए, हमें लोकेशन नहीं मिल रही है, हम गलत आ गए हैं। और क्या करूँ फिर, एक डेढ़ घंटा तू आ गई ना, तू सो गई ना। हारे नहीं हूँ, अरे बाबा कह रहे बहुत तेज बोल रहे, चुप रहो, ऐसी लोकेशन नहीं मिल रही है। मैं आप दिखाओ, अगर मैं सोई होती, आप ही बताओ, अगर मैं सोई होती तो मैं ऐसे एकदम से उठ जाती है, बस मेरी आँख लग गई थी। अच्छा धूप क्यों है आज समझ नहीं आ रहा यार। पता है तो पापा ने गाड़ी लगाई थी वहाँ पे कितने सारे फैन मिले थे, सेलिब्रिटी है, सब्सक्राइबर्स, सलमान खान शाहरुख खान जा रहे हैं ऐसा लग रहा था ना। थैंक यू गाइस सपोर्ट करने के लिए, भाई व्लॉग चैनल को भी करो सपोर्ट। तो मैं थक गई हूँ व्लॉग चैनल को, अच्छा किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई सब्सक्राइब। मिल गई लोकेशन, चलो चलते हैं। तो भाई साहब हम लोग पहुँच गए हैं स्टूडियो। भाई साहब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अंदर हुआ है ना चेंजेस, और क्या हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ओहो ये देखो बुरी नजर वाले तेरा मुंह का, अब वो कुछ नहीं कर सकते, दिमाग में चला अपना मूंगफली वाला चेंज हुआ है। तो ये टेंशन, ये देखो हम दोनों सोना हमारा ये कब आएगा, क्या डायमंड प्ले बटन, पता नहीं यार मुझे चाहिए यार, मैं देख सूट केस में आता है ना। ओह माय गॉड आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ, ये देखो लाखों की तादाद में है। क्या क्या है ये, अंदर कोई है तो नहीं पागल, हुआ भी तो क्या दिखा क्या कम इन हो रहा है क्या, ये है हमारा अंदर का कोई है क्या। हेलो जी कैसा लग रहे हैं, अरे बढ़िया बहुत टाइम बाद आए हम लोग। ये है जहाँ गाने वाने शूट रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे जो रूम दिख रहा है वहाँ पे होती है एडिटिंग वेडिटिंग जो भी होती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस ये ज़्यादा चार चांद लग गए यहाँ पे हंसराज जी देखो हाँ चल 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 सुखी। हम लोग तो बस ऐसे आए हैं बाहर, इसको तो कस्टमाइज करवा रखा है। किसको अरे हाँ ये थोड़ा अजीब है ना, थोड़ी अजीब करे अलग करवाते हैं ना, करवाते हैं इसको, सुंदर लग रहा है। तो फिर नहीं यार नॉर्मल वाला थोड़ा ऐसा लगता है कि असली है थोड़ा, वो ऐसा लग रहा है कि खरीद के लगाया ना फेक सा। अरे हेलो जी, हेलो करो, हेलो हेलो, अरे वाह जबरदस्ती करवाती हो। और क्या सबसे मिलजुल तो ले थोड़ा, इतने दिनों बाद आए हैं, पापा हो रहे वहाँ खड़े हैं। तो चलो भाई जी थोड़ी यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, जल्दी बनाए फिर अंदर बैठते हैं। अभी समोसे मंगवाए, समोसे खाते हैं। और क्या कर रही हो भाई। गाइस स्टूडियो वाले ने मेरा टैलेंट पहचान ही लिया आखिरकार, मुझे पता था कोई ना कोई तो होगा ही। अब जा रही हूँ मैं इंडियन आइडल में, क्या करना है बस वही सैड स्टोरी सुनानी है ना। मैं ऑटो से आई हूँ आपके यहाँ तो गाते हैं ये भैया, हंसो मत देखो मैं गाने वाली हूँ खाई के पानी मत कर जो सब्सक्राइबर है ना वो अनसब्सक्राइब करके भाग जाएगा गाना गाने के लिए। ठीक है चलो भाई बहुत फालतू बंदी हो गई बेइज्जती करवा दी। बंद कर लाइट बंद कर चलो भाई बातें शातें हो गई हैं तो मीटिंग खत्म हो गई है तो सोचा निकल लिया जाए क्योंकि अभी भाई 3-4 बज रहे हैं। पता है कि 1-1.5 घंटा आगे आने जाने का निकलना ही है। रात हो जाए इससे पहले निकल लेते हैं वरना रात को पता है ना कि ट्रैफिक जाम होता है। सब जो वर्कर्स होते हैं अपने ऑफिस से आ रहे होते हैं बहुत ही जाम होता है दिल्ली में अभी भी वो लगा हुआ था। सही है हम सही टाइम पे पहुंच गए। आप लोग सोच रहे हो कि सोना का गायब हो गई। सोना को वॉशरूम गई हो वॉशरूम आया था उसको तो यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी है हमारी खुली तो जल्दी आए सोना तो हम लोग जाए। तो मुझे एक सही चीज़ समझ नहीं आ रही है वहाँ पे जो दिख रहा है ना हेल्थ हो वो जो लिखा है जो भी वहाँ पे रेस्टोरेंट है और पता है आपको आपकी मोना की नज़र सीधा खाने पे जाती है पिज़्ज़ा वीज़ा भी है। अभी नहीं बोलूँगी आपको बहुत डांटेंगे वापस। तो सोना को मिल गया वैसे वॉशरूम नहीं मिल रहा था हाँ लगता है मिल गया अंदर ही चली गई। तो चलो भाई निकलते हैं स्टूडियो से। बहुत अच्छा आना हुआ बात हुई अच्छे से। फिर कभी आएंगे कुछ स्पेशल डे होगा तब समझ रहे हैं ना। आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल डे भी है तो ब्लॉग में बने रहे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें भाई अभी। तो चलो चलते हैं घर वापस और मम्मी से मिलते हैं। मम्मी का फोन आ रहा था बार बार। आप लोग पक्का सोच रहे होंगे यहाँ दिल्ली में पहाड़ कहाँ से आ गए ये तो हुआ कूड़े का ढेर है भाई कूड़े का। और ये देखो भाई हम लोग यहीं से गुजर के चीले देखो ऐसा तो मक्खियाँ घूम रही हो भाई चीले हैं। हमारे छत पे एक चीले आ जाती है मैं तो पागल हो जाती है पर इतने सारों का सामना कैसे करूँगी हर जगह। अरे पागल फिर भी हम इससे पास तो नहीं होते तेरे बराबर नहीं थी फिर भी तेरी ने डर नहीं रही थी तू मैं तो बहुत डर रही थी ना। ये देखो कचरा लग रहा है अच्छा कचरा ही तो है। घर आ गए हैं हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई। भूख तो इतनी लगी थी क्या ही बताए। एक समोसे में हमारा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम राक्षस है ना इसलिए। तो मम्मी ने बना दिए यहाँ पे हमारे लिए यूपी वाले मैगी मुझे यूपी वाले नूडल्स। जब भी नूडल्स की बात आती है ना तो मेरे को मैगी याद आती है। मैंने तो क्या बोला यूपी वाली मैगी। यहाँ पे वंशिका भी आ गई है। वंशिका का एग्जाम था लास्ट है ना लास्ट ये वंशिका भी अब मेरे साथ रहेगी। थोड़ा बुरा लगता है आगे बैठी है ये घर में यूपी मैगी पड़ा हुआ था हाँ? कह रही मेरे को ये अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा खुद जाके ले आ फिर दूसरे मैगी बेस्ट है मैगी लेके आई वो सब ठीक है। ये देखो वो बेस्ट है पर ये क्या है मेरे को भी दे दो। अरे ये तो होता है बस ये 4-5 चीजों के पैकेट के साथ बैठती है हमेशा। हाँ चट्टो है ना अब क्या बताए यानी किस पे गई है हमारे किस खानदान पे गई है। इस धरती में आई खाने के लिए धरती का बोझ है बोझ। तो चलो भाई अपनी यूपी मैगी खाते हैं। सोना ने तो पूरी देखो यूपी खाते हैं जल्दी से। सोना ने शुरू कर दिया भाई साहब भर के बैठी है और क्या पूरे मजे ही मजे। डिनर टाइम हो गया है और आप लोग सोच रहे होंगे भाई डिनर में इतना हल्का फुल्का क्यों बनाया मम्मी ने। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सुबह से हम लोग खाए जा रहे हैं और शाम को भाई नूडल्स भी खा लिए थे तो पेट पूरा ही भर गया था। तो मम्मी ने इसलिए हल्का फुल्का बनाया है। इस वंशिका को पूछे मत हमसे डायरेक्ट नूडल्स खा के रखी थी मटर साइड कर दी है यार। आपके घर में कोई ऐसा है तो बताओ मेरे को कमेंट में। इसने तो बहुत परेशान कर रखा टमाटर मटर इन सबको लेके। ये देखो टाइसन को मम्मी टाइसन खाना वाला ही दिया क्या ये क्या एक्टिंग है। अभी देंगे उसको अभी ये कौन सा अचार है। अरे यार मेरे को तो आम और लहसुन का अचार बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सा लगता है मेरे को कमेंट में बता देना। और सूखी सो के उठी लग रहा है ना इसका चुनिया समूह पढ़ रही थी वो याद आ गया इसको क्योंकि इसका एग्जाम आ रहे हैं। तो चलो भाई डिनर कर लेते हैं अपना। खाना खाने के बाद तो भाई एकदम ही नींद आ गई। आंखों के सामने अंधेरा जा रहा है मेरा एकदम नींद आ गई। बहुत मज़ेदार खाना था क्योंकि हल्का खाना बना था ना तो और भी मज़ा आया। और ये देखो सोना यहाँ पे बेफालतू में वो थोपी जा रही है। वैसलीन की हालत खराब हो रखी है इसको तो भाई बेलन से पिचका के बीच में तो वैसलीन निकलने वाली और ये बंदी लगी बड़ी है इसको निकालने में। दवाई लगा ले आंखें छोटी हो रही है। अच्छा वही लेकर आई आंखें छोटी हो रही देख रहे हो इसका बिल्कुल ध्यान नहीं छोटी आंखें। अरे एक आंख छोटी हो रही आंखें मेरी अब वो क्या करूं। मेरी मम्मी नेपाली है तो मैं क्या करूं थोड़े। अरे हाँ सच मतलब तुम्हारी में पर सारा वो वाला गुण मेरे पे गया ना। पता है मम्मी नेपाली पे गया मम्मी का तो मम्मी समझ रहे मम्मी नेपाली पे लगती नहीं है। पता नहीं ये छोटी छोटी आंखें कहाँ से मिल गई मेरे को ये नहीं पता मेरे को। और यहाँ पे बन जा का खा लिए एक फोन तोड़ के चैन नहीं मिला जो दूसरा भी तोड़ने आ गई है। ये देखो ये रिया आइसक्रीम खा रही है, एक चम्मच, पापा ने एक चम्मच ही दी तो दो दी थी, एक मैंने खा ली, मम्मी ने नहीं खाया ना तो मम्मी के हिस्से का भी मैं खा ली। अच्छा छोटे होने का फायदा ले रही है बाबू। हाँ और मैं पहले तरबूज खा, पेट है कुआं ये भाई, ये अब इसका 100वीं बार होगा। पेपर खत्म हो, मम्मी तो परेशान हो गई, मम्मी खिलस गई, मम्मी आपकी बात बोली ना तो पेपर खत्म हो गया एंजॉय करूंगी, बहुत पिटेगी तू ये बंदी है ना, ये फूल ही नहीं समाई है बंदी, पागल ही हो गई बिल्कुल। और टाइसन ऐसा गए ऊपर, अच्छा मम्मी पापा भी ऊपर गए, टहलने वहलने का चल रहा है आज कल इनका सिस्टम, दोनों एक साथ वजन कम करेंगे अपना। मेरा ही नहीं हो रहा बस, मेरा ही नहीं हो रहा बस, मम्मी पापा टाइसन ऐसा दोनों चारों ही गए। तो चलो भाई, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने दोस्तों को भी भाई लिंक शेयर कर देना और बोलना कि सोना मोना फैमिली ब्लॉग्स देखो यारो, टाइम वेस्ट मत करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।